आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वार्ट्ज हीटर की। पांच डिफरेंट ब्रांड्स के आपको मैं क्वार्ट्ज हीटर दिखाऊंगी और क्वार्ट्ज हीटर होते क्या है वो भी आपको बताऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवीआर। मेरा नाम है गरिमा। सो विंटर्स जैसे स्टार्ट होती है ना, हमें अपने घर के लिए एक हीटर लेना ही पड़ता है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा हो जाती है। चाहे ज्यादा नहीं पड़ती, लेकिन एक 15 दिन महीने की ठंड ऐसी होती है कि हमें हीटर्स चाहिए ही होते हैं। सो क्वार्ट्ज हीटर क्या होते हैं, मैं सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ। क्वार्ट्ज हीटर बेसिकली क्वार्ट्ज ट्यूब से चलते हैं। इन हीटर्स के अंदर दो क्वार्ट्ज ट्यूब्स लगी होती हैं, जिनके अंदर नाइक्रोम फिल्ड होता है। इनको जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, मतलब जैसे ही हम इसको प्लग इन करते हैं, ये रॉड्स धीरे 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 गर्म हो जाती हैं और हमारे रूम को गर्म कर देती हैं। इन ट्यूब्स को गर्म होने में 30-40 सेकेंड्स लगते हैं, और उसके बाद जैसे ये गर्म होती हैं तो हमारे रूम को स्लोली स्लोली वार्म करना स्टार्ट कर देती हैं। आपने जब भी क्वार्ट्ज हीटर देखा होगा ना, क्वार्ट्ज हीटर ज्यादातर दो रॉड्स के अंदर ही मिलेंगे आपको, क्योंकि ये बहुत सस्ते होते हैं। मतलब आप ये देखो कि 1000 से 1500 के बीच में आपको एक अच्छा क्वार्ट्ज हीटर मिल जाता है। क्वार्ट्ज हीटर के अंदर फैन नहीं होता है, लेकिन इनकी जो वार्मथ होती है ना, वो एक नॉर्मल हमारे जैसे आप 10x12, 10x15 के बेडरूम हो गया या एक ऑफिस केबिन हो गया, उनके लिए ये रिकमेंडेड है। आप एक छोटा सा हीटर अपने रूम में लगा सकते हैं। ये दिखने में जरूर छोटा हीटर है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करता है। जो दो रॉड्स वाले क्वार्ट्ज हीटर होते हैं, उनको हम रेकमेंड करते हैं, चाहे आप अपने बेडरूम में लगा लो, चाहे आप ऑफिस में लगा लो, चाहे आप छोटे केबिन्स के अंदर लगा लो। और अगर आपका एरिया थोड़ा बड़ा है, लाइक आपको लगता है काफी बड़ा हॉल है या कोई आपका ड्राइंग रूम है, तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि इनके अंदर दो रॉड्स होती हैं और ये होते हैं 800 वॉट के अंदर। अगर आपको लगता है एरिया बहुत बड़ा है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वार्ट्ज हीटर्स की, जो कि आते हैं दो रॉड्स के अंदर। तो अब बात करते हैं पांच उन ऐसे ब्रांड्स की, जिनके क्वार्ट्ज हीटर रेटिंग के हिसाब से, यूजेज के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे हैं। पहला है महाराजा वाइट लाइन। महाराजा वाइट लाइन का अगर आप हीटर देखेंगे, 2 रॉड्स में आता है, 800 वॉट के अंदर आता है। इनके अंदर आप 400-400 करके भी चला सकते हैं। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा ठंड नहीं हो रही है, आपको एक हल्की सी वार्मथ चाहिए अपने रूम के अंदर, तो आप एक रॉड को ऑफ कर सकते हैं और एट अ टाइम एक रॉड को चला सकते हैं। तो एक रॉड 400 वॉट की होती है, दूसरी रॉड भी 400 वॉट की होती है। अगर इसकी लुक की बात करूँ ना, तो बड़ा लेटेस्ट सा डिजाइन लग रहा है इसका, और देखने में भी मतलब अगर अपने बेडरूम में रखोगे तो काफी अच्छा सा लग रहा है। बहुत इजी टू कैरी होता है, इसके अंदर कोई इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये सिर्फ प्लग एंड प्ले होता है। आपने इसको प्लग किया, एक रॉड चलानी है, एक रॉड चला ली, दो रॉड चलानी है, तो दो रॉड भी चला सकते हैं। महाराजा वाइट लाइन का क्वार्ट्ज हीटर जो आता है, वो आता है ग्रे कलर के अंदर, और ये आता है 1 साल वारंटी के साथ। मॉडल नंबर है क्वाटो, और इसकी जो MRP है वो है 1899, और अभी का जो बेस्ट प्राइस है वो है 1099। मैं सारे मॉडल्स की डिटेल बता के ना इनके बाय लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको जो भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना हो आप वो ले सकते। नेक्स्ट ब्रांड है उषा। उषा का जो क्वार्ट्ज हीटर है, उसका मॉडल नंबर है QH4302। इसके अंदर भी दो रॉड्स हैं, 400+400। उषा के हीटर पे फ्रंट पर हमारे को मिलता है एक रेगुलेटर, जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड रॉड्स को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। 400 चाहो तो 400 चला सकते हो, 800 वॉट चलाना चाहो तो 800 चला सकते हैं। इसके अंदर एक आता है टिप ओवर सेफ्टी स्विच, नीचे ना एक छोटा सा टिप ओवर बटन होता है, बिल्कुल छोटा सा बटन होता है। अगर हीटर ऑन है और मान लो कोई छोटा बच्चा है, जिसे किसी का हाथ लग गया या किसी बड़े का हाथ लग गया और हीटर बाय चांस गिर गया, तो उस केस में हमारा हीटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो वैसे इसके अंदर कोई करंट के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि ABS बॉडी में आता है। जितने भी ब्रांडेड क्वार्ट्ज हीटर आते हैं, सारे ABS बॉडी के अंदर आते हैं, और रॉड के आगे ना फ्रंट में एक स्टील की मैश लगी होती है, सारे ABS ब्रांडेड हीटर्स के अंदर। सो नॉन ब्रांडेड हीटर्स के अंदर क्या होता है, फ्रंट पर मैश भी नहीं होती है एंड टिप ओवर सेफ्टी स्विच भी नहीं होता। अगर वो कहीं पे इधर उधर लुढ़क पुढ़क गया ना, तो वो ऑफ नहीं होता, ब्रांडेड हीटर सारे ऑफ हो जाएंगे। ये मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। उषा का जो हीटर है वो आता है ग्रे कलर के अंदर। इसकी MRP है 1990 रुपए, और इसका अभी का जो प्राइस चल रहा है वो है लगभग 1300 रुपए। तो मैं इसका भी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थर्ड ब्रांड है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन का मॉडल नंबर आता है इंस्टा कॉम्फी। तो ये वाला जो मॉडल है ना, ये भी दो रॉड्स के अंदर आता है, 800 वॉट में आता है, इजी टू कैरी है। लुक एंड फिनिश की अगर मैं बात करूं, तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है देखने में। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंगली चला सकते हो, 400-400 की दो रॉड जाती है, जैसे भी चलाना चाहो आप इसको चला सकते हैं। इजी टू कैरी होता है, नो इंस्टॉलेशन नीडेड, कोई कुछ नहीं करना आपने, कोई ये नहीं कि इसके में कोई व्हील्स लगाने हैं, सीधा प्लग करा और प्ले कर दिया। इसमें भी फ्रंट पर आप देख सकते हैं एक नॉब दी हुई है, जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड दोनों रॉड्स को अपने अकॉर्डिंगली चला सकते हैं। क्रॉम्पटन का जो कलर है वो ग्रेइश ब्लू कलर है, और MRP है 2300 रुपीज, और इसका बेस्ट प्राइस है 1295 रुपए। सो फोर्थ ब्रांड है ओरिएंट। इसका जो कलर है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओरिएंट का मॉडल नंबर है QH800ASQ। इसकी लुक की अगर बात करूं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ब्लैक कलर है। अभी तक तीनों मॉडल्स जो मैंने आपको दिखाए वो ग्रे, ब्लू, ऐसे डार्क ग्रे कलर्स में थे, ये ब्लैक कलर के अंदर आएगा।
इसके अंदर आपको दो रॉड्स मिलेंगी, दो रॉड्स के साथ वही सेम आप 400-400 करके भी चला सकते हो। इसकी भी बॉडी शॉक प्रूफ आएगी, और कोई भी क्वार्ट्ज हीटर हम जब भी चलाते हैं ना तो उसकी जो बॉडी है ना वो ठंडी रहती है। मतलब आप कभी टच करके देखना, मेरे पास है ऑलरेडी, मैं महाराजा वाइट लाइन का हीटर खुद यूज कर रही हूँ। अगर मैं उसको बॉडी को टच करूंगी ना तो उसकी बॉडी कूल होगी और अंदर रॉड्स ऐसी हीट दे रही हूँ जैसे सीधा आप सूर्य देवता के दर्शन कर रहे हो। फ्रंट में आप देख सकते हो कि एक मैश लगी हुई है जिससे हमारी रॉड्स प्रोटेक्टेड रहती है और हम भी प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि अगर मैश नहीं होगी तो हमारा हाथ लगने के चांसेस होते हैं। इसके अंदर भी 1 ईयर वारंटी आती है, इजी टू कैरी है। इसकी MRP है 2490 और इसका अभी का जो ऑफर प्राइस है वो है 949 रुपीज। ये आपको मिलेगा ब्लैक कलर के अंदर। प्राइस वाइज वैल्यू फॉर मनी है ये। बाकी आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो, मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सा लेना चाहिए। सो फिफ्थ ब्रांड है हेवल्स, इसका मॉडल नंबर है बेरो। ये भी एक क्वार्ट्ज हीटर है, दो रॉड्स के अंदर आता है, 400 वॉट की एक रॉड है, 400 वॉट की एक रॉड है। सेपरेट भी चला सकते हो, इकट्ठी भी चला सकते हो। इसके अंदर भी टिप ओवर सेफ्टी स्विच मिलता है, अगर बाय चांस हिल गया, लुढ़क पुढ़क गया तो आपका हीटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसकी अगर मैं फिनिश की बात करूँ, इसकी जो बॉडी है ABS प्लास्टिक में आती है। थोड़ा सा चारों हीटर से मुझे ये ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी सॉलिड है। इसकी जो लुक एंड फिनिश है ना थोड़ी सी चारों से ज्यादा मुझे बेटर लगी है। फ्रंट पे आप देख सकते हो सेफ्टी मैश लगी हुई है इसके अंदर, जैसे हमारे चारों हीटर्स पे लगी हुई थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये ज्यादा ड्यूरेबल लग रहा है। तो अगर इसके प्राइस की बात करूँ, 2415 इसकी MRP है और इसका जो बेस्ट प्राइस है वो है 1990। अब एक हेवल्स का हीटर 1990 रुपए का है और बाकी सारे हीटर्स हमारे 1000 से 1200 रुपए की रेंज के अंदर आ जाते हैं। सो कहीं ना कहीं जितना हम पे करते हैं उतनी हमें क्वालिटी मिलती है। एक बेडरूम के हिसाब से अगर आपको चीप एंड बेस्ट हीटर लेना हो ना तो आप कोई भी क्वार्ट्ज हीटर ले सकते हैं। अगर आपको लगता है मुझे बहुत प्रीमियम क्वार्ट्ज हीटर चाहिए तो नंबर 1 पे हेवल्स। और अगर आप बात करो कि आपको एक चीप एंड बेस्ट अच्छा हीटर चाहिए, थोड़ा सा क्वालिटी से हल्का सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो बिल्ड क्वालिटी से, हीटिंग क्वालिटी से नहीं, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगी महाराजा वाइट लाइन का हीटर जो हमें मिल जाता है ऑलमोस्ट 1100 रुपए के अंदर। सो हेवल्स के बाद मैं सेकंड नंबर पे आपको रेकमेंड करूंगी महाराजा वाइट लाइन, क्योंकि हेवल्स का अगर हम बात करें ना तो वो 1900 या 2000 रुपए की बजट में आ रहा है। अगर आपको एक बजट फ्रेंडली हीटर चाहिए ना, क्वार्ट्ज हीटर, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी महाराजा वाइट लाइन। अब क्यों इसको मैं आपको रेकमेंड करूंगी, पहला इसकी लुक काफी अच्छी है। मतलब आप देखो कि जो फ्रंट पे रेगुलेटर है वो थोड़ा सा पुराना डिजाइन हो गया जैसे कि क्रॉम्पटन और उषा में आता है, लेकिन महाराजा वाइट लाइन आज भी ना थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है देखने में। सो आपको मैं रेकमेंड करूंगी सेकंड नंबर पे महाराजा। बाकी मैं आपको बताऊं, उषा, क्रॉम्पटन ये सब ब्रांड्स हैं, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एक अच्छा क्वार्ट्ज हीटर आपको 1000 से 1200 में मिल जाएगा। अगर आपको बहुत प्रीमियम चाहिए तो ऑफ कोर्स गो फॉर हेवल्स। तो गाइज ये मत समझना कि कोई मुझे हेवल्स ने पैसे दिए इस वीडियो में बोलने के लिए, लेकिन जितना हम गुड़ डालते हैं ना उतना मीठा होता जाता है, ये तो आपको भी पता होगा। सो हेवल्स का हीटर अगर 2000 रुपए का आ रहा है और बाकी हीटर 1000-1200 के आ रहे हैं, सिर्फ लुक का फर्क है, 800 वॉट ही, हेवल्स भी 800 वॉट के अंदर ही आएगा। सो बेसिकली सारे मॉडल्स 800 वॉट के अंदर हैं, सारे फ्रंट मैश के साथ आते हैं, सारे हीटर्स के अंदर आप 400 वॉट करके चला सकते हो। सिर्फ बेसिक डिफरेंस होता है इनकी लुक का। सारे मॉडल्स 1 ईयर वारंटी के साथ आते हैं, सिर्फ हेवल्स 2 ईयर वारंटी के साथ आता है। तो गाइस पांचों ब्रांड्स के हीटर आपने देख लिए, आपको जो पसंद आए, जो सुंदर लगे वो आप ले लेना, क्योंकि काम सबने वही सेम करना है, सबकी वॉटेज सेम है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं इन सारे हीटर्स के बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आपको जो भी हीटर लेना है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी बड़े बेडरूम के लिए हीटर्स, जो कि कार्बन हीटर्स आते हैं, हेलोजन हीटर्स आते हैं, ऑयल हीटर्स आते हैं। आपको किसी हीटर की पर्टिकुलर वीडियो देखनी हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं ट्राई करूंगी सबसे पहले वही वाली वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।